ऑनलाइन में भी आवाज आ रही सबको? ठीक है हाँ, ऑफलाइन मॉर्निंग, ऑफलाइन इवनिंग में है, ऑनलाइन वाला मॉर्निंग में है। ठीक है चालू करते हैं। जितनी सारी बातें हुई अभी पीछे फोर्थ पेपर में, कुछ नहीं करना इतना सारा अपने को। ठीक है हिंदी बहुत प्यारा विषय है, उतना ही प्यारा जितना आप अपनी माँ के लिए प्यारे हैं। ठीक है बस आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। ठीक है आपको वहम होता है कि हमको हिंदी आती है, जिसको किसको लगता है कि हिंदी 11वीं 12वीं पढ़ी तो हिंदी आती है, कुछ नहीं आता है तुमको। ठीक है लिटरली कुछ नहीं आता है। यदि आपको लगता है कि हिंदी आपको आती है तो आपको कुछ नहीं आता। ठीक आपको सबसे पहले दिमाग में यही चीज बैठानी है, उसके बाद क्या करना है आपको सिलेबस में टू द पॉइंट काम करना चालू करना है। ठीक है हिंदी में हम कुछ बातों को क्या कर लेंगे, दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अगेन क्वेश्चन का जो नेचर है उसमें एक जो थ्री मार्कर वाला है उसमें फिक्स टॉपिक्स है पिछले 3-4 साल से, वहीं से लगातार आ रहा है। ठीक है तो उसको देखेंगे, बाकी एक जो है वो पूरा रटने वाला, इवन थ्री मार्कर भी पूरा रटने वाला है। ठीक है आपको लगे कि आपको समाज की परिभाषा आप जाकर के वहां पे फ्रेम करके लिख लेंगे तो आप बाकी समाजशास्त्र की जाकर के आप लिख सकते हैं, समाज की जाकर के नहीं लिख सकते हैं। समाज की परिभाषा आप जो घोट के गए हैं वही लिखिएगा, यदि आप घोट के नहीं गए हैं तो फिर आप क्या करिएगा फ्रेम करिएगा और उसमें आप 3 की जगह 2.5 मार्क्स लाइएगा, और 2.5 मार्क्स में आप फिर अल्टीमेटली होगा क्या मैक्सिमम जो स्कोर करना था हिंदी में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बातों को चालू करते हैं सिंपल सा। देखो पहली बात तो 200 नंबर का है, ठीक है एक हमेशा से 200 का रहा है, लेकिन इस वर्ष से 2025 से ये पेपर और टफ हो गया। ठीक है क्यों टफ हो गया, दो कारण है, एक सिलेबस में बढ़ोतरी की गई है, ठीक है और दूसरा 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे हो गया। ठीक है पहले क्या होता था, बच्चा पढ़ के जाता था और वो पहले पीछे रफ पेज में क्या करता था परिभाषा को फ्रेम करता था और फिर लाके वो क्या करता था सामने ला करके उसको लिखता था। ठीक है अब उसका समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है अब आपको क्या करना पड़ेगा, रट के जाना पड़ेगा उसको, वैसा का वैसा वहां पे उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कहां कहां पे क्या दिया हुआ है और पिछले 3 से 4 वर्षों में कहां से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ठीक है उसको देखने का प्रयास करेंगे। पहले थोड़ा सा ये समझो कि परिवर्तन कहां कहां पे हुआ है। हिंदी के सिलेबस में 2 जगह परिवर्तन किया गया है। ठीक है एक परिवर्तन यहां पर आया है। ठीक है ये परिवर्तन क्या है, तो पहले यहां पर इसकी जगह पे क्या लिखा होता था अलंकार। ठीक है इसकी जगह पे क्या लिखा होता था, अलंकार लिखा होता था और जितने नंबर का यहाँ पे रस और छंद दे दिया गया उतने ही नंबर का क्या होता था अलंकार होता था। फॉर्मेट सिंपल सा ये होता था कि आपको शब्द अलंकार के 5 क्वेश्चन आते थे, अर्थ अलंकार के 5 क्वेश्चन आते थे, सभी क्वेश्चन का वेटेज 1-1 नंबर का। आगे भी फॉर्मेट यही रहने वाला है कि आपको रस के 5 क्वेश्चन आएंगे, छंद के 5 क्वेश्चन आएंगे, सभी का वेटेज 1-1 नंबर का रहेगा। लिखना उतना ही पड़ेगा जितना आपको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, 3 लाइन। ठीक है एक बात ये क्लियर हो गई, तो ये एक परिवर्तन आया। दूसरा परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा वो मेजर परिवर्तन है, वो यहाँ पे आपको दे दिया गया है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। ठीक है तो यहाँ पे जो परिवर्तन आया उसका वेटेज कितना कितने उसका हो रहा है, तो 12 अंक का हो रहा है, जो कि 4 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। वो 4 क्वेश्चन का नेचर क्या रहने वाला है, तो वही नेचर रहेगा जो आपको यहाँ पर थ्री मार्कर का नेचर रहता है। ठीक है मतलब आपको कुछ ना कुछ लिखने को दिया जाएगा, परिभाषा लिखने को दिया जा सकता है, उसके संबंध में कुछ और किसी और चीज को पूछा जा सकता है, अभी देखेंगे क्या क्या बातें हो सकती है। तो ये एक परिवर्तन है। ठीक है ये 2 मेजर परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक अब बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लघु उत्तरी प्रश्न होगी। ठीक है अब यहाँ पे लिखा हो निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। अब निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या होता है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक का। ठीक है जिसको आप क्या कह लेते हैं व्याकरण, सामान्य भाषा में उसको क्या कह लेते हैं व्याकरण। ठीक है अब जैसे समझो पिछले 2021 वाले 20 और 21 वाले पेपर की बात करूं। ठीक है आपको अलंकार क्या बोला गया, 10 नंबर का पूछेंगे ही पूछेंगे, वो तो तय है। ठीक है पहले बोला गया था और दूसरा कि अलंकार का यहाँ पे कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है आ रहे थे है ना, तो 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन उन्होंने किसके डाल दिए, वापस से अलंकार के ही डाल दिए। अब अलंकार का वेटेज कितना हो गया, तो 10 तो ऑलरेडी था और 6 का और हो गया। ठीक है 16 नंबर का क्या पूछा जा रहा, अलंकार पूछा जा रहा। वापस से समझो आपको रस का 5 नंबर का तो पूछा ही जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन रस का ऊपर भी एड ऑन कर दिया, बोले संचारी भाव को परिभाषित कीजिए। अब वेटेज 10 का कितना हो गया, तो 5 नंबर यहां पर था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर का वेटेज किसका हो गया, रस का हो गया। ठीक है अगेन तो क्वेश्चन को हमको डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, जैसे पीछे कई लोगों को रहता है भाई पहले चलता था कि भाई हमको समास आता है ना, तो बोले द्विगु समास क्या होता है वो हमको आता है, द्वंद्व समास क्या होता है वो हमको आता है। आगे जब क्वेश्चन आए एमपीपीएससी में तो पूछा गया कि द्वंद्व समास के प्रकारों के नाम लिखिए, समास के प्रकारों में द्वंद्व समास होता है, वो पूछ रहे हैं द्वंद्व समास के प्रकारों के नाम लिख लिए। अब आपकी डेफिनेशन समझिए आप क्या पढ़ के आते हैं, क्या आपने स्कूल में इसको पढ़ा, यदि पढ़ा था क्या आपको आज भी याद है, यदि याद भी है तो क्या आप प्रत्याहार द्वंद्व समास के उदाहरण लिख सकते हैं, क्या आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है तो हमको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे होने वाली है कि जो आपको संचारी भाव दिए हुए हैं, जो उनके स्थायी भाव दिए हुए हैं, क्या आप उनको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ये चीज की हमको आवश्यकता पड़ेगी, उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो पहले इसका वेटेज कितना है, तो यहाँ पे अगेन पुराने की तरह ही अभी वेटेज है, 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का 3 नंबर का वेटेज रहेगा। दैट मीन्स कि आपको
200 में से 75 नंबर यहाँ निकल गए, ठीक है। अब पिछले 2-3 वर्षों के पेपर को समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 2021 का पेपर हमारे पास रखा हुआ, ठीक है। अलंकार के क्वेश्चन अभी यहाँ से साइड में करते हैं। अब इसको समझना कि किन टॉपिक्स का वेटेज आपको रहता है, फिंगर टिप में आप एकदम पॉइंट याद रखो, ठीक है। जैसे एक संधि टॉपिक दिया हुआ आपके सिलेबस में, ठीक है, एक समास टॉपिक दिया हुआ है, तत्सम तद्धो दिया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा आपका उपसर्ग प्रत्यय दिया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा संक्षेपण पलवन एक टॉपिक दिया हुआ है। संक्षेपण पलवन करने के लिए आता हुआ अलग मैटर है, संक्षेपण पलवन से क्वेश्चन बनते 3 मार्क करके, वो भी एक मैटर है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं कहूं कि 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जहां वो 25 में से आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जहां 25 में से आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उसमें क्या मिलेगा आपको, तो जो और टॉपिक आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे उनने क्या कर लिया, आपको विलोम शब्द की परिभाषा पूछ ली, उन्होंने क्या पूछ लिया आपको, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उनकी परिभाषा पूछ ली, ठीक है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं उसकी परिभाषा पूछ ली आपको, ठीक है। तो छोटी छोटी व्याकरण में जो परिभाषाएं दी हुई है वो भी आपको याद रखनी है। लेकिन मेजर टॉपिक हमको क्या है, तो मेजर टॉपिक में आपका क्या आ जाता है, एक संधि आ जाता है, ठीक है। बेटे हर साल का पेपर उठा के देखना, 3 क्वेश्चन आपको संधि के मिलेंगे, ठीक है। ये 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, किस प्रकार के, या तो 3 मार्कर में पूछ लिया, और या फिर आपको कहां पूछ लेगा, ये वाला पोर्शन में जहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियां, आपको सिंपली पूछ लिया कि भाई विद्यालय में कौन सी संधि है, उसका संधि विच्छेद करिए, या कोई सा भी शब्द आपको एक्स वाई जेड दे दिया, ठीक है। तो एक तरीका भी हो सकता है ना, तो ये यहां से आपको वेटेज क्या है लगातार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो एक तो संधि हो गया आपका, ठीक है, जहां से आपको लगातार क्वेश्चन मिलेंगे, एक समास हो गया आपका, ठीक है, एक क्या है आपका उपसर्ग और उसी में प्रत्यय आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसी में आपका संक्षेपण पलवन वाला टॉपिक आ जाता है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर कैसे कैसे आपको क्वेश्चन में जुड़ते हैं 2021 वाले में, ठीक है। संधि और समास में अंतर बताइए। अब आप महान पुरुष हैं, आप पढ़ के क्या जाते हैं, संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि के प्रकार क्या होते हैं, संधि के भेद के संधि के उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है। कुछ और महारथी होते हैं, सिंपल सा छोटी छोटी मिस्टेक्स थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदी एक ध्यान रखना, आप जितना रट के गए हैं उतने आप मास्टर आदमी, बात खत्म, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कई महारथी रहते हैं, वो एक काम कर लेते हैं कि उनको आता है हिंदी संधि जो पद दिए रहते हैं उनमें पहचानना आता है, उनको विच्छेदित करने आता है, ठीक है, संधि विच्छेदन करके वो पहचान गए संधि लिख लेते हैं। अब समझो आपको पूछा गया कि यण संधि की परिभाषा, यण स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप महान आदमी हैं, आप क्या करके गए थे, यण संधि की परिभाषा याद करके गए थे अथवा बना सकते थे, लेकिन आपको उस समय एट द टाइम उदाहरण याद नहीं आया, हुआ होगा आपने जिनने इमेज दिया होगा ये दिमाग में वहां पर होता ही है, ठीक है। आप उस समय उस शब्द को भूल जाते हैं, बिल्कुल रिकॉल नहीं होता, लेकिन उस समय सिर्फ आप शब्द नहीं भूल रहे होते हैं, 3 में से 1.5 नंबर खो रहे होते हैं, 3 में से 1.5 नंबर। उदाहरण लिखने से कितने नंबर कट सकते हैं, 1 से 1.5 नंबर तक आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। आपका पॉइंट क्या सिंपल से निकल करके आता है कि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें यहाँ पर, तो एक संपूर्णता के साथ पढ़ें, हमको दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए कि यदि वो पूछ लिया हमसे कि इस पर्टिकुलर शब्द में संधि कौन सी है, तो हमको तो पहचान नहीं आती है, लेकिन इस पर्टिकुलर संधि की परिभाषा पूछिए तो क्या उदाहरण भी आता है मुझे, ठीक है। यदि आपको अगेन की द्वंद्व समास के अंदर प्रकार पूछ ले तो क्या उसके उदाहरण मुझे एक एक उदाहरण आता है, ठीक है। तो हमको क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो संधि से क्या कितने क्वेश्चन आए, संधि और समास अंतर पूछ लिया आपको, ठीक है। एक दूसरा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको संधि से हो गए, उसी संधि में उनने एक पॉइंट क्या जोड़ा था यहाँ पे, समास जोड़ दिया, समास से पूरा भरा क्वेश्चन दिया हुआ पूरा, ठीक है। यहाँ भी एक क्वेश्चन दे दिया, बोले संबंधित पुरुष समास को उदाहरण समझाइए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दे दिया उनने, एक क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। ये पॉइंट क्या निकल के आया, संधि और समास से आपका 6 से 7 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। वो कहां पे डिवाइड हो सकते हैं, तो एक यहां 3 मार्कर में डिवाइड हो सकता है, और एक कहां पे डिवाइड हो सकता है आपका, ये जो ये वाले पोर्शन दिया हुआ यहां पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कहां पर, इस चीज में, ठीक है। तो एक चीज हो गई, दूसरा अच्छा एक चीज इसमें आती है, बोले संधि पूरा हिंदी वाला पोर्शन, बोले किसी महारथी की आवश्यकता है पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ की आवश्यकता नहीं है, ना किसी बहुत भारी किताबों की आवश्यकता है, बहुत भारी नोट्स की आवश्यकता है, ठीक है। नॉर्मल से आप एक नोट्स उठाइए, उसको आप बांध जाइए कि बस इसी से पढ़ना मुझे, और किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 4 जगह से परिभाषाएं आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हिंदी विषय को जितना आप आसान रखेंगे उतना बढ़िया है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग विषय है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज इम्पैक्ट करती है कि आपकी आंसर आपकी वो कैसा है, सुलेखन कैसा है कि नहीं है, ठीक है, वो इम्पैक्ट करता है। बट अगेन की यदि आप साफ सुथरा लिखते हैं तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, मतलब दोनों बातों में अंतर होता है। एक जैसे अगेन की मेरी राइटिंग बहुत गंदी आपको दिख रही होगी, ठीक है, हाँ गंदी है, ठीक है, लेकिन क्या मैं साफ लिखता हूँ, दोनों बातों में अंतर है ना,
ज्यादा काटा पीटी तो नहीं कॉपी में, दोनों बातों में अंतर है। तो आप साफ लिख करके आइए, शुद्ध लिख करके आइए, मात्रा की गलती मत करके आइए। यदि किसी को आज भी समस्या बनी रहती है कि रा का प्रयोग कैसे करना है, ऐसे वाले में करना है, ऐसे वाले में करना है, ऐसे वाले में करना है, तो समझिए इन चीजों को सुधारना पड़ेगा। यदि आप एक मात्रा की गलती करके आते हैं तो 18 तक की जो कॉपी हमने देखी हुई है उसमें आधे से एक नंबर की कटौती मात्रात्मक गलतियों में होती है। ये मात्रात्मक गलतियां जीएस के पेपर में स्वीकार हैं, भाषा के पेपर में स्वीकार नहीं है, क्योंकि पेपर ही किस बात का है, भाषा का है, ठीक है। तो भाषा में ये गलतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहां से जो 25 क्वेश्चन हो कहां कहां से आ गए, एक क्वेश्चन आपको रस से दे सकते हैं, छंद से दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पोर्शन जो है आपका संधि समास मुहावरे का, हफ्ते आपको डायरेक्ट उन्होंने क्या दे दिया, एक प्रयोग मुहावरा दे दिया जिसका प्रयोग करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आ सकता है। कई बार जो एक पेपर में पैटर्न में चेंज आया पिछले 2-3 साल में, वो अभी प्रयोग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करने के लिए वो नहीं बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसका आप अर्थ बताइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो एक वो दे रहे, चूंकि अब प्रिंटेड क्वेश्चन आते हैं तो स्पेस ही उतना नहीं देते हैं, तो उनका स्कोप बनता है पूछने का, तो डायरेक्ट आपको क्या बोलते हैं उसका मतलब बताइए, अर्थ बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऊपर जाएगा, यहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमने पीछे देखा कि भाई संधि समास से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद असली खेल चालू होता है यहां से, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अब विराम चिन्ह तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको सिंपल से दे दिया, एक लाइन लिखी हुई है जिसमें बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में गोदान लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेमचंद जी का सबसे प्रतिष्ठित उपन्यास गोदान है, और गोदान में उन्होंने क्या कर दिया, एक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। डायरेक्ट पूछेंगे गोदान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वो गोदान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक हरे उद्धरण का या दोहरे उद्धरण का, एग्जैक्टली दोहरे उद्धरण का प्रयोग होता है जब आप किसी पुस्तक को कोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दोहरे उद्धरण का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पूछेगा कौन सा उदाहरण लिखा विराम चिन्ह है, उस विराम चिन्ह का नाम लिखते हैं, उसका चिन्ह क्या करिए, प्रदर्शित करिए, ठीक है। अब किसी ने विराम चिन्ह लिख दिया, उसको चिन्ह ही याद नहीं है, चिन्ह बनाते कैसे हैं, आधे नंबर आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, विराम चिन्ह कितने मुश्किल से 22 से 23 विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है, थीके? और भी रहेंगे बट हमारे काम के 22 से 23 रहते हैं, उससे बाहर कभी आयोग पूछा नहीं है, ठीक है। आपको उन चिन्हों को याद करना पड़ेगा, उनके प्रयोग को याद करना पड़ेगा। उदाहरण आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सिंपल सा कि प्रश्नवाचक चिन्ह का सकारात्मक स्थिति में किन कहां कहां पे प्रयोग कर सकते हैं, समझ में आया क्या बोला, प्रश्नवाचक चिन्ह का सकारात्मक स्थितियों में कब कब प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे उदाहरण के लिए तालिबान एक बहुत अच्छा संगठन है ना, कौन सा चिन्ह प्रयोग करिएगा यहाँ पे, आप पूर्ण विराम प्रयोग करना है बताओ कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, सिंपल सा है। अच्छा क्वेश्चन मार्क वाले कौन कौन है, कोई नहीं लेगा क्वेश्चन मार्क, डाउट है क्या, ठीक है। आप जिस तरीके से उसको बोल रहे हैं वहां पे क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। ये भावात्मक चीज है, ये क्या है, भावात्मक चीज है, उसको आपको उस समय समझना पड़ेगा। यहीं पे हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं। प्रश्नवाचक का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रश्न रेज किया जा रहा है, बट यहाँ पे वो प्रश्न रेज नहीं हो रहा था, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, उसमें अच्छी की जगह बुरी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, कंफर्मेशन दे रहे थे कि हाँ बुरा ही संगठन है, ठीक है। तो उसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आता है यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, शब्द शक्ति दिया गया है, एक आपका यहाँ पे मानक शब्दावलिया दिया होगा, ठीक है, देख रहे नहीं, मानक शब्दावली लिखा होगा, ठीक है, शब्दार्थ। अब ये यहाँ से लगातार आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इवन 5 तक वेटेज पहुंचाया गया है। पहले क्या होता था, पूरा 10 क्वेश्चन का वेटेज होता था, बाद में उसको घटा के 5 कर दिया। सिंपल सा एक चीज और, एक टॉपिक और समझो, इनके साथ में उस टॉपिक को देखो, वो टॉपिक आपका यही पे दिया हुआ है, वो है हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और मानक शब्दावलियां, प्रशासनिक मानक शब्दावलियां, ठीक है। एक समस्या आती हिंदी माध्यम के साथ कि उनको पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में पसीना छूट जाता है, ठीक है, मतलब हिंदी से अंग्रेजी कैसे अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं। समस्या ये है क्योंकि हमने तीसरे पॉइंट में समस्या बना के रखी हुई है। समस्या क्यों है, क्योंकि हमने तीसरे पॉइंट में समस्या बनाई। देखो सिंपल सा है, आपसे हिंदी ट्रांसलेशन अथवा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से ट्रांसलेशन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आपके पास शब्द भंडार नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमको हिंदी में अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है तो मेरे पास एक ही शब्द के कई सारे पर्यायवाची भी हो सकते हैं और मैं अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाता हूँ। वही समस्या यहाँ पे आ जाती है कि भाई हमारे पास शब्द नहीं है, जब हमारे पास शब्द नहीं होते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, फैल जाता है, नहीं बनता भाई, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना है, दो चीजें अगेन कि ये जो आप जीएस पढ़ेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये आपकी मोटा मोटा होगी, आप इथिक्स और उद्यमिता और आदि आदि क्या कर सकते हैं आप 1 महीने में कवर कर सकते हैं। इसको क्या 1 महीने में कवर करके कोई कर सकता है, ये 1 महीने का सब्जेक्ट नहीं है, ये जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक का रोज रोज का आधे आधे घंटे का सब्जेक्ट है। रोज रोज आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको सिंपल सा वहां पूछ लिया गया कि कौए का पर्यायवाची क्या है, ठीक है, तो आपको वो उस समय याद होना चाहिए और वो याद सिर्फ एक ही तरीके से होगा, जब आप क्या करेंगे लगभग 1000 शब्दों के पर्यायवाची रट के बैठे होंगे,
कितने 1000 शब्दों के, लगेगा कि बहुत बड़ा भंडार है ना। वो 1000 शब्द आपको सिर्फ पर्यायवाची नहीं रटने, आपको विलोम भी रटने हैं, आपको अनेक शब्दों के लिए ये शब्द भी रटना है, आपको तत्सम तद्भव भी रटना है, पर्यायवाची भी रटना है, आपको शब्द भी शब्दयुक्त भी रटना है, ठीक है। कि भाई समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं इनको, कि भाई उच्चारण समान होता है बट दिखने में क्या होते हैं, उच्चारण एकदम समान रहेगा, अर्थ क्या रहेगा उनका भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक है। तो उन शब्दों का आपको लगातार हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, कहां से, शब्दयुक्त से, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन कहां से आता है, वर्तनी शोधन से आता है, आपको गलत शब्द लिख के दे दिया गया, ठीक है। आशीर्वाद कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है, पॉइंट समझ में आया। तो आप अगेन आज की हर हर मतलब चौथे पांचवें घर में लिखा होता है माता पिता का आशीर्वाद, और वो भी गलत लिखा होता है, ठीक है। तो ना पेंटर को पता है, ना जो जिसने घर बनवा लिया उसको पता है कि आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो आपको वर्तनी शोधन भी आना चाहिए। वाक्य संरचना एवं प्रकार आपको क्या कर सकते हैं, पैटर्न अपना सकते हैं कि आपको एक वाक्य दे देंगे, बोलेंगे इसमें गलत शब्द कौन सा है, अथवा दूसरा कि आपको चार छोटे छोटे सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे इनको एक प्रॉपर सेंटेंस में क्या करिए, फ्रेम करिए, वाक्य निर्माण करिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, और शब्दार्थ निकालने के लिए आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये सब का वेटेज आपको वहां 25 क्वेश्चन में दिखेगा, और इंडिविजुअल में क्या दिखेगा, तो इंडिविजुअल में आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। मोटा मोटा समझ लो कि हर जगह से एक क्वेश्चन आने वाला है, औसत बात कर लें तो हर जगह से एक क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पे वो गोटी खेल सकते हैं, तो एक शब्दार्थ में गोटी खेलेंगे, ठीक है, वर्तनी शोधन में, शब्द शक्तियों में, यहाँ से क्वेश्चन कट कर देंगे तो भाई विलोम बढ़ा देंगे आपका, पर्यायवाची बढ़ा देंगे आपका, ठीक है। ये एक समानता आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो पॉइंट क्या निकल के आता है कि एक समस्या जो आपको यहाँ पे आ रही थी उसका समाधान क्या हो सबसे पहले, तो क्यों, क्योंकि इसका मोटा मोटा हम बात कर ले तो वेटेज कितना है, 40 नंबर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि अगेन ऊपर हमने बात करी भाई 75 नंबर का तो क्या है आपका हिंदी 3 मार्कर का हो गया, ठीक है, 40 नंबर का ही हो तो यही तो मेजर बात हो गई ना, यही पे हमारा खेल फंस जाता है, ठीक है। अब 40 में से 40 आप स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश के धुरंधर हैं तो भी आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। उसका कारण सिंपल सा इतना है कि जो ट्रांसलेशन होता है वो अलग अलग प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के पास आता है, सामने वाले व्यक्ति का मतलब जो कॉपी चेकिंग चेकर रहता है, ठीक है। कई बार वो ट्रांसलेशन भावनात्मक दिया रहता है, ठीक है, और कई बार वो ट्रांसलेशन क्या रहता है, शब्दार्थ रूप में दिया रहता है, ठीक है। अब आप किस रूप में कर रहे हैं उससे कई बार क्या होता है इंपैक्ट आता है, करना कैसा चाहिए, भावनात्मक ट्रांसलेशन करना चाहिए, ठीक है। बट अगेन कि हमारी भाषा इतनी महान होती है कि हम उसको भावनात्मक रूप से कर नहीं पाते हैं तो शब्दार्थ कर देते हैं, ठीक है। तो यदि कोई एक्सपर्ट भी है बहुत ज्यादा तो भी वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके वहां पे कुछ अलग दिया होगा, तो मिसमैच होता है तो थोड़े नंबर आपके कटेंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा कहूं तब भी यहाँ पे आपका 60% क्या होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, ठीक है। बाकी जगह पे ये जो परसेंटेज है ज्यादा रहेगा, बाकी जगह पे ये परसेंटेज आपका ज्यादा रहेगा, सिर्फ यहीं पे 60% रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए बात कहूं कि यहाँ 20 में से कितने आने चाहिए, तो 20 में से यदि तुम्हारे 20 नहीं आ रहे हैं तो तुम हिंदी में स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ 20 में से कितने आने चाहिए, 20 में से 20 आने चाहिए, मतलब अगेन कि आपको कोई विलोम शब्द दिया गया तो आप बिल्कुल ये उम्मीद मत करिए कि विलोम शब्द आप गलत करके आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सा है, छोटी छोटी कहानी है, यहाँ पे आपको कटने की कहीं पे संभावना है, क्यों, क्योंकि आप परिभाषा लिख करके आएंगे तो हो सकता है परिभाषा थोड़ा सा 19-20 हो जाए, नंबर कट जाएगा आधा नंबर, ठीक है, मात्रा की गलती करके आ गए, लेकिन यहाँ पे तो आपको पर्यायवाची पूछा गया था ना, पर्यायवाची क्यों गलत करके आइएगा, और गलत करके आएंगे 2 नंबर आपका पूरा का पूरा कटेगा। तो यहाँ पे आपको 20 के पीस आने चाहिए पूरे, ठीक है, वो कैसे आएंगे उसकी अभी बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद आपका आता है, इसमें वापस से लौटते हैं प्रशासनिक शब्दावली और इसमें, ठीक है। देखो एक दिन की बात नहीं होती है, खास करके उनके लिए जिनका क्या है भाषा थोड़ा सा अंग्रेजी वाला वीक है, कमजोर है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे, जैसे अभी सर ने बात करी कि भाई आप हम कोशिश करेंगे कि हिंदी पहले से चालू कर ले, ठीक है। कारण क्या होता है कि हिंदी धीरे धीरे रटा के क्या होगी 6-7 महीने में आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आप यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे आ सकता है कि हम क्या करें, प्रशासनिक शब्दावली, जैसे उदाहरण के लिए मेरी बात करूं तो भाई मेरे पास लगभग 1000 प्रशासनिक शब्दावलियां रखी हुई, पुरानी आई हुई सभी और अन्य भी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसको डेली बेसिस पे 25 से 30 क्या है रटना चालू कर देंगे। आपको 25 ज्यादा लगती है, 20 रटिए आप, ठीक है। लेकिन 20-20 रट करके ये वैसे ही है कि भाई कोई आंसर राइटिंग करने बैठा, अभी चलेगा 2 महीने आंसर राइटिंग करेगा, बोले बहुत आंसर राइटिंग करी 2 महीने में, है ना, कुछ नहीं करी भाई, ठीक है। आंसर राइटिंग आप क्या होती है कि आप आंसर राइटिंग करना चालू करिए, 6 महीने तक आप लिखते रहिए थोड़ा थोड़ा, तो हर रोज क्या होगा आपका सुधार होगा। आप डेली एक साथ खाने बैठ जाएंगे तो आपको ये सुधार कहाँ करना है और वो सुधार कब कर लें इसके लिए समय नहीं है ना, ठीक है, वो एक समस्या है। तो आप यहाँ थोड़ा थोड़ा करते रह जाएंगे, डेली 20 प्रशासनिक शब्दावलियां रट रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो आप एक तरीका होता है ट्रांसलेशन का, थोड़ा सा सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करना चालू कीजिए, ठीक है, वो वाला यूज बंद कर दीजिए, ठीक है, स्क्रॉलिंग वाला ऊपर वाला, और थोड़ा सा प्रॉपर यूज करना चालू कीजिए। प्रॉपर यूज का मतलब होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, एक बर्डो स्मिथ है ना, और कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग जगह मिल जाएंगे, ये लोग शब्दों को हमको क्या करते हैं,
वो करते हैं, ट्रांसलेट करके बताते हैं, उनका मीनिंग समझाते हैं। जैसे समझो कि यहाँ पे जो आपको सेंटेंस आते हैं, पहले क्या होता था 2019 के पहले तक, है ना, 19 के पहले तक जो ट्रांसलेशन आता था उसमें एक पैराग्राफ दिया होता था, 3 लाइन का 4 लाइन का। अब उस पैराग्राफ को लिखना बड़ा आसान होता था, क्यों? क्योंकि आपको बीच में एक शब्द नहीं बना तो आप बीच में उस शब्द को खा के निकल जाइए, ठीक है, आपको लगेगा आपने परफेक्ट लिखा हुआ है। अब समस्या है, समस्या क्या है कि भाई आपको मात्र एक लाइन दी हुई है, इवन एक लाइन भी नहीं, 4 शब्द की एक लाइन दे होते हैं। अब 4 शब्द में से एक शब्द ऊन दिया हुआ है, आपको ऊन का मतलब आपको अंग्रेजी में नहीं पता, हो गया कल्याण, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या निकल के आता है कि हमको उन शब्दों के मतलब पता होने चाहिए हिंदी में, ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में, तब हम उसको क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। वो कैसे होगा? सतत प्रक्रिया से होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप रटते रहेंगे। यहाँ पे जो शब्द 1000 शब्द दिए हुए हैं वो भी आपको अल्टीमेटली ट्रांसलेशन में क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अगेन वहां पे आके आपको नौकर सही है, उस समय आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं याद आ रहा है, अथवा ब्यूरोक्रेसी याद आ भी रहा है तो स्पेलिंग क्या लिख दूं, ठीक है, बीयू से चालू करेंगे, बीएस चालू करेंगे, बीयू, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये छोटी सी समस्या है, लग रहा होगा कि भाई ये बहुत ही छोटी समस्या हो गई, लेकिन इस छोटी समस्या से आपके आधे से एक नंबर जाते हैं। यहाँ पे कोई सिद्धांत नहीं है जीएस वाला, यहाँ पे सीधा सा सिद्धांत है, तुमने आशीर्वाद में जो मात्रा थी वो पहले लगा ली रा वाली, ठीक है, तो तुम्हारा आधा नंबर चला गया, एक नंबर, यहाँ सीधा सा सिद्धांत है हिंदी भाषा का, ठीक है। तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा, शब्दों को रटेंगे, धीरे धीरे इस पे क्या होगा, काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा काम करने की आपको यही भी आवश्यकता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी पोर्शन आपकी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, रटा जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, क्योंकि आपको अलग भाषा में काम करना पड़ेगा जो आपके जीवन में रोज रोजमर्रा से जुड़ी तो है, बट उतना नहीं जितना आपको आवश्यकता है, ठीक है। तो उसके लिए इसके बाद यहाँ पे आता है आपका एक पल्लवन वाला। अब एक चीज होती थी पल्लवन और दूसरा होता था संक्षेपण, ठीक है। पल्लवन को कई लोग कहते हैं निबंध है, ठीक है, जो लोग कहते हैं पल्लवन निबंध है वो पल्लवन नहीं समझ पाए हैं अभी भी, ठीक है। पल्लवन और निबंध में जमीन आसमान का क्या होता है, अंतर होता है। हाँ, आपको देखने में लगता है कि भाई दोनों बढ़ा करके लिख रहे हैं तो दोनों क्या हो जाता है, निबंध जैसा दिखने लग जाता है, ठीक है। पल्लवन की अपनी क्या होती है, नियम होते हैं, पल्लवन की अपनी क्या होती है, अप्रोच होती है। ये क्लास का हिस्सा है, क्लास में उसको करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पल्लवन को आपको जिन नियम दिए गए हैं, जो बनाए गए हैं नियम, उन नियमों को क्या करना पड़ेगा, पालन, और उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां से एक पोर्शन उन्होंने हटा दिया, वो क्या होता है, संक्षेपण वाला पोर्शन, ठीक है। संक्षेपण का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि आपको उन्होंने क्या दिया, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को, दिए हुए पैराग्राफ को उसका जितना साइज था उसके 1/3 पोर्शन में क्या कर देना होता है, उसको आपको लिख देना होता है। अगेन उसके भी अपने नियम होते हैं, बट अगेन यहाँ पे उसको हटा दिया तो हमको उसका मतलब नहीं है, ठीक है। उसका वेटेज यहाँ पे देखो, पल्लवन का वेटेज भी कम किया गया है, पहले पल्लवन का जो वेटेज होता 10 नंबर का, संक्षेपण का वेटेज 15 नंबर का होता था, अब उस चीज को क्या कर दिया, घटा दिया, वेटेज बढ़ाया कहाँ पे है, तो पीछे ये बोली भाषा में आपका वेटेज क्या है, बढ़ा दिया है, ठीक है। अब एक चीज आती है यहाँ पे, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, जो कि आपने अभी 10 यूनिट में घसीटा होगा, ठीक है, उस चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से घसीटना पड़ेगा, लेकिन अभी नजरिया क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। मेंस पढ़ रहे हैं तो नजरिया भी क्या हो जाएगा, मेंस का हो जाएगा, ठीक है। तो उसके नजरिए से पढ़ना पड़ेगा, इन बोलियों में किसने क्या व्याकरण विकसित किया, यहाँ पे वही चीज आती है ना कि भाई फलाने का व्याकरण किसने विकसित किया, इनकी लिपि कौन सी है, लिपि है कि नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं होती है बोली, सबसे पहला भारी प्रश्न यही होता है, बोली किसको कहते हैं, सबसे भारी प्रश्न यही होता है, ठीक है। 2018 तक क्वेश्चन आते थे, उसके बाद से बंद कर दिया, तो हमने पढ़ाना भी बंद कर दिया। क्वेश्चन आते थे भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, सब में अंतर होता है, ठीक है। वो पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, बीच में 19-20 में मैंने पढ़ा दिया था, बच्चा बिचक गया, बोलता है क्वेश्चन आता नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाना ही बंद कर दिए, ठीक है, बोले एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं मिलना चाहिए अपने को, तो वो बंद कर दिए। बट अगेन कि अब हमको उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राजभाषा आयोग कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, वो बोलियों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें किससे, भाषा से, ठीक है, बोली और भाषा में कुछ अंतर तो होता होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में भाषा कौन सी चलती है, हिंदी चलती है, लेकिन सब आप अपने अलग अलग क्षेत्र के हैं तो बोली चल रही है, बट क्या बोली में आपके साहित्य लिखा हुआ है, क्या बोली की आपकी लिपि है, लिपि नहीं इसलिए साहित्य नहीं है, ठीक है, क्या बट क्या बोली का राजनीतिक प्रयोग है, जैसे उदाहरण के राजस्थान में चुनाव हो रहा था, मालवी अपने यहाँ पे है तो मालवी वहां पे भी है, राजस्थान का जितना नेता है वो तो जयपुरिया में, मालवी में, ढूंढाड़ी में क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, राजनीतिक प्रयोग तो है, ठीक है। तो ये सब बेसिक अंतर हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज आती है, वो रहता है अपठित गद्यांश, ठीक है, आजकल तो इथिक्स में पूछने लग गया है अपठित गद्यांश, केस स्टडी के नाम पे अपठित गद्यांश देते हैं, एकदम बुरहानपुर से आए हुए लगते हैं सब, है ना, है। तो इसमें सिंपल सा बात ये आ जाती है अपठित गद्यांश में कि आप जो पुराना हमेशा पैटर्न आपका चलता रहा है, ठीक है, उसी पैटर्न में आपको यहाँ अपठित गद्यांश को सॉल्व करना होता है, उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है। आप जो 11th 12th क्लास में सॉल्व किए करके आए होंगे ना,
वही यहाँ पे करना पड़ता है। औसत जो मार्किंग रहती है वो 50-60% होती है। अगेन मैंने आपको सिंपल सा कहा कि कुछ पोर्शन ऐसे है जहां पे 100% मार्किंग होगी, यदि आप वहां पे 99% भी मार्किंग लेकर के आए आप समस्या में है। यदि यहाँ पे आप 50% लेकर के आते हैं, 60% लेकर के आते हैं तो आप समस्या में नहीं, क्यों? क्योंकि औसत मार्किंग यहाँ पे इतनी ही है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है। जनरली यहाँ पे कितने लोग कितना स्कोर करते हैं, तो जो महारथी लोग होते हैं वो 78 से 80 तक स्कोर कर लेते हैं। जो 78 स्कोर करेगा वो बाहर है प्रोसेस से, जो 80 स्कोर करेगा पास है, अंदर है, बट प्रोसेस अगेन बाहर है, ठीक है? मैक्सिमम कितना स्कोर किया जा सकता है यहाँ पर, 140-150 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। इट डिपेंड्स आपकी लेखन कैसा है, ठीक है? इट डिपेंड्स कि आप जो लिख करके आ रहे हैं वो क्वालिटेटिव है कि लिख करके क्वालिटेटिव लिख करके आ रहे हैं, ठीक है? मतलब एक होता है कि भाई हमने पेपर करके आ गए, बट क्या करके आ गए उनकी अंतरात्मा वो जानती है। हिंदी में ये चीज नहीं चलेगी, आपको हर चीज को क्या करना पड़ेगा, टू द पॉइंट रटना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब जैसे प्रश्नों के यहाँ पे वो देखें किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, 2021 वाला पेपर देखते हैं या लेटेस्ट एग्जाम देखते हैं ना, 23 वाला है ना, ये 23 का पेपर है। अब देखो तुमको सिंपल सा, पीछे मैंने कहीं बात करी कि फिक्स टॉपिक है 5 से 6 और वहीं से क्वेश्चन आएगा, हर बार दीर्घ संधि का क्वेश्चन आएगा, हर दूसरे साल पलट के दीर्घ संधि क्वेश्चन आएगा और आप उसको हर साल गलत करके आते हैं। कारण क्या होता है कि आप परिभाषा रटे नहीं है, परिभाषा आप रटे नहीं तो वहां पे आप क्या करते हैं, जोड़ तगोड़ के परिभाषा बनाते हैं। अब जोड़ी तगोड़ी परिभाषा में आप 3 नंबर की उम्मीद मत करिए, 2.5 नंबर की उम्मीद करिए, 2 नंबर की उम्मीद करिए, लेकिन 3 नंबर की उम्मीद नहीं, 3 नंबर आपको वहां पर नहीं आएगा तो आप पूरी प्रोसेस से पीछे क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, ठीक है? अब जैसे पीछे मैंने आपको वहां पर 1921 वाले पेपर में दिखाया था, वही चीज वापस से समझो। पीछे क्वेश्चन 21 वाले में पूछा गया कि संधि क्या होती है, उनके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है दीर्घ संधि क्या होती है, उसकी परिभाषा दीजिए भाई। अब अगेन एक महारथी होगा जो दीर्घ संधि की परिभाषा लिख के आएगा, परफेक्ट लिख करके आएगा, लेकिन उदाहरण देके नहीं आएगा। आपको उदाहरण देकर के आना है, ठीक है? आपको उदाहरण देकर के आना है, उदाहरण देने में बहुत ज्यादा बोझ नहीं आता है। 3 लाइन दी हुई है, 2.5 लाइन लिखिए, आप अपनी परिभाषा कितने में लिखिए, 2.5 लाइन में लिख लिए, जो आधी लाइन बची हुई काहे के लिए है आपकी, उदाहरण देने के लिए। एक उदाहरण दे दीजिए, विद्यालय, विद्याधनालय, बात खत्म। इतना ही उम्मीद करता है वो आपसे, और किसी बड़े शब्द की उम्मीद नहीं करता है, बट इतना तो करिए, ठीक है? इतना आपको करना पड़ेगा। ऐसे क्या आ जाता है आपका, व्यंजन संधि आ जाता है, ठीक है? व्यंजन संधि पर किसे कहते हैं, वही वापस से वही उदाहरण आपको वापस से देना है। संधि से 2 क्वेश्चन यहीं पे भर दिए, 3रा क्वेश्चन यहाँ पे भर दिया संधि से, पॉइंट क्लियर हुआ। अब कितना वेटेज हो गया, 9 नंबर का वेटेज हो गया। आगे 2 मार्कर जो आता है आपका संधि, जिसमें संधि विच्छेदन दिया होगा, वहां पे भी 1-2 क्वेश्चन दिया होगा, पॉइंट क्या निकल गया, 200 के पेपर में से लगभग 15 नंबर तो सिर्फ काय का है साहब, संधि का है। और ये इस साल 23 का नहीं है, अभी पीछे 22 का देखेंगे उसमें भी यही है, 21 का देखोगे उसमें भी यही है, पीछे जाओगे 5 साल से 6 साल से यही चले आ रहा है, ठीक है? तो उसको भी थोड़ा सा हमको क्या है, समझना पड़ेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, समस्त पद किसे कहते हैं, ठीक है? अब ये समस्त पद कहां से निकल के आता है, जब आप समाज की परिभाषा पढ़ते हैं तो समाज की परिभाषा में समस्त पद का प्रयोग होता है। अब समस्त पद को आपको परिभाषित करना आना चाहिए, ठीक है? अब कोई महारथी होता है, अगेन की देखो पॉइंट क्या होता है, आपको कितना डेप्थ में जाने की आवश्यकता है, बस इसलिए बता रहे हैं, ठीक है? अब आप यदि सिर्फ ये पढ़ के गए हैं समास क्या होता है, समास के भेद क्या होते हैं, उनके परिभाषा क्या होती है और उनके उदाहरण क्या होते हैं, देन समास आप दरअसल समझ ही नहीं पाए हैं एग्जाम के पैटर्न को। 2021-20 का पेपर उठा के देखिएगा, 2020 के पेपर में समास के जो क्वेश्चन आए हुए थे मेरे ख्याल से वो शायद 12 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। एक भी बच्चे को 12 में से पूरा 12 नहीं बन रहा था, कारण पैटर्न बदल दिया। बहुव्रीहि समास का वो क्या पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है, द्वंद्व समास का प्रकार पूछ रहा है। हमारा जो लेवल रहता है वो हम क्या करते हैं भाई, बहुव्रीहि समास ही पढ़ के जाते हैं, उसके प्रकारों के अंदर हम एंटर नहीं करते हैं, ठीक है? तो हमको इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कितनी ज्यादा हमको डेप्थ में जाने की एग्जाम में आवश्यकता है। और इस डेप्थ का मतलब ये है कि जो नया सिलेबस जुड़ा है रस का, छंद का, वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से तैयार होकर के जाना पड़ेगा। जो 2020 का सिलेबस था वो पहली बार एग्जाम हो रहा था नए सिलेबस पे, तब आपको सीधे कहां चला गया, डेप्थ में चला गया, किसमें, अलंकार में और समास वगैरह में, ठीक है? अलंकारों में बहुत गहराई में चले गए हो, ठीक है? इवन अलंकारों में इस गहराई में गए कि डायरेक्ट उदाहरण दे रहा है और कठिन उदाहरण दे रहा है, पूछ रहा है कि आप समास इसमें अलंकार बताइए, पहचानिए, ठीक है? तो हमको पहले से ही रस और छंद को तैयार करके रखना पड़ेगा, गहराई के साथ छंदों को पहचानना आना चाहिए, कौन सा सोठा होता है, कौन सा चौपाई होता है, कौन सा दोहा होता है, कौन से अलग अलग उसमें मात्राएं होती हैं, ठीक है? हर चीज को पहचानना आना चाहिए, ठीक है? पीछे मैंने आपको टॉपिक गिनाया, बोले एक क्या होता है, बोले तद्भव, तत्सम, तद्भव से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तद्भव की परिभाषा दीजिए, ठीक है? हर साल क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है? गिने हुए टॉपिक है, दरअसल हिंदी में ही गिने हुए टॉपिक है आपके, है ना? आपके सिलेबस में ही चंद टॉपिक है, उनको वहीं से क्वेश्चन बार बार बनाना है,
और आप वहीं फंसे हुए हैं, कारण होता है कि हम रट के नहीं जा रहे हैं। अगेन मैं रटने का समर्थक नहीं हूं, अभी से बता दूं, लेकिन तुमको यदि एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो रटने का समर्थक हूं हिंदी भाषा में, और भी विषयों में अलग अलग जगह पे समर्थक हूं, बट हिंदी में पूरा 100% समर्थन करता हूं रटने का। यदि आप नहीं रट के जाएंगे तो आप एग्जाम में पीछे छूटेंगे, ठीक है। आप वहां फ्रेम करने बैठेंगे, फ्रेम करने का टाइम पुराने पैटर्न में होता था क्योंकि 3 घंटे दे रहे थे, अब फ्रेम करने का टाइम भी नहीं रहेगा। फ्रेम में आप जब वहां करते हैं तो गलत ही परिभाषा बनती है, ठीक है, अनुभव से बता रहा हूँ, गलत परिभाषा बनती है हमेशा, ठीक है, पहले से रट के जाइए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे हमने पीछे बात करी विराम चिन्हों की, विराम चिन्हों में हमने क्या देख लिया कि भाई 20 से 22 विराम चिन्ह है, आपको सबका परिभाषा आना चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए, उदाहरण आने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया त्रुटि पूरा कि हंस पद चिन्ह किसको कहते हैं, भाई आप ऐसे लगाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ जिसमें आपका क्या हो गया, एक शब्द छूट गया, ठीक है, तो अब आप क्या कर देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अब एक शब्द छूटा होगा यहाँ पे, है ना, वो शब्द क्या छूटा, बोले स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अब वो कैसे लिखिएगा आप, तो यहाँ पे आप हंस पद चिन्ह का प्रयोग करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। अब आपको क्या आना चाहिए, इसका प्रयोग आना चाहिए, आपको वहां पे क्या बताना पड़ेगा, हंस पद चिन्ह को मेंशन करना पड़ेगा, तब तो आप बताएंगे ना कि भाई ये हंस पद चिन्ह होता है, इसकी ये परिभाषा होती है, इसका ये प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें बड़ी समस्या आती है कि भाई परिभाषा तो मैंने लिख दी 2.5 लाइन में, अब उसका प्रयोग कहाँ पे लिख दूं, उदाहरण कहाँ पे लिख दूं, ठीक है। तो आपको परिभाषा को कंसाइज करना आना चाहिए, कैसे मैं परिभाषा को 2 शब्दों 2 लाइन में लिखूं और 1 लाइन में उदाहरण लिखूं, ठीक है। ये प्रोसेस है, समय के साथ क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। निदेशक चिन्ह योजक चिन्ह में अंतर बताइए, ठीक है। निदेशक चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से, योजक चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से। योजक चिन्ह मतलब माता पिता आप लिख रहे हैं, बीच में एक छोटा सा चिन्ह लग जाता है, वो क्या है, योजक चिन्ह है, ठीक है। निदेशक चिन्ह कक्षा में पास होने वाले छात्रों की सूची यह है, नाम यह है, और फिर आप क्या करते हैं, ऐसा लगाते हैं। अब आपको इसको परिभाषित करना पड़ेगा, वहां पे उदाहरण देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पल्लवन पूछ लिया, संक्षेपण पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा है, पल्लवन की परिभाषा दीजिए, संक्षेपण की परिभाषा दीजिए, यही तो मतलब है ना, आपका क्या आशा है, क्या अभिप्राय है, यही तो परिभाषा देनी है आपको, ठीक है। सब संधि यहीं पे हो गई, ठीक है, ऊपर संधि के 3 क्वेश्चन थे और एक संधि क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक है। टोटल संधि के कितने क्वेश्चन हो गए, ये 9 नंबर का यहाँ पे संधि था आपका, ठीक है। एक भी संधि कोई छूटी क्या, ये विसर्ग संधि यहाँ पे और पूछ ली, यण संधि भी पूछ ली, ठीक है। पॉइंट क्या निकल के आया, ये हर साल का पैटर्न है, ये 23 का पैटर्न नहीं है, हर साल का यही पैटर्न है, बशर्ते कि हम जो लिमिटेड टॉपिक्स है उनको क्या कर लें, अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। अनेक शब्दों के प्रयोग के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा, 2 से 3 शब्दों 2 से 3 लाइनों में बताना पड़ेगा क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। आप अपनी बात को ज्यादा प्रभावी तरीके से कम समय में रख पाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, आप फालतू की पंचायत करेंगे 10 लाइन की, वही बात कोई व्यक्ति 1 लाइन में कह के जा रहा है, आपका समय बचा रहा है, तो सीधी सी बात है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो आपको उस चीज को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भाषा में मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है, आकर्षण लाने के लिए, ठीक है, अलग उसकी विशेष पहचान देने के लिए उसको किया जाता है, तो वो आपको प्रयोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगेन टॉपिक को मैं थोड़ा सा, और उसमें पीछे मैंने कहा कि भाई जो उनने जो 25 क्वेश्चन का लिखा हुआ है ना, कि 25 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, नीचे दिए टॉपिकों में से आएंगे, नीचे दिए टॉपिकों में तो एक अनुवादन का भी टॉपिक दिया हुआ है। अब देखो तुमको अनुवाद तो ऑलरेडी क्या कर रहा है, 40 नंबर का पूछ रहा है ना, अनुवाद 40 नंबर का तुमको पूछ रहा है, वो तो फिक्स है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अनुवाद से क्वेश्चन 25 नंबर में भी डाल देगा। बोले स्रोत भाषा क्या होती है, लक्ष्य भाषा क्या होती है, स्रोत भाषा वो होती है जहां से ट्रांसलेशन करना है, लक्ष्य भाषा होती है जहां ट्रांसलेशन करके लेके जाना है, मतलब हिंदी से अंग्रेजी जाएंगे तो स्रोत भाषा हिंदी है और अंग्रेजी क्या हो जाती है उस समय, लक्ष्य भाषा हो जाती है, ठीक है। तो स्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है, उसको परिभाषित कीजिए। टॉपिक की गहराई से समझना पड़ेगा कहां कहां से आता है। गुण संधि भी आपका यहीं पे पूछ लिया, 15 नंबर का हो चुका है, 15 नंबर का हो चुका ना, 15-18 नंबर का संधि क्या है आपको यहाँ पे पूछा जा चुका, अभी तक एक ही पेपर में 18 नंबर की संधि हो चुकी है, मात्र 2023 के पेपर में 200 में से 18 नंबर संधि पूछा गया, ठीक है। अभी आगे भी 2 मार्कर में होगी संधि। विलोम शब्द किसको कहते हैं, इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अनुवाद क्या है, अब देखो तुमको 40 नंबर का अनुवाद, पहले 35 का होता था, अभी 40 का हो गया, ठीक है। 40 नंबर का अनुवाद तुमको यहाँ पूछेगा, फिर एक यहाँ पे 3 नंबर का डाल देगा, फिर एक यहाँ पे 3 नंबर का डाल देगा। यार 46 नंबर की कहानी तो यही हो गई ना अनुवादन के, ठीक है। तो आपको अनुवादन क्या होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक। विराम चिन्ह क्यों आवश्यक होते हैं, भाई भाषा में क्या लेके आते हैं, वो लय लेकर के आते हैं, भाषा में क्या लेकर के आते हैं, मधुरता लेकर के आते हैं, भाषा में ठहराव लेकर के आते हैं, ठीक है। ये चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो ये चिन्ह हो गया। लाघव चिन्ह किसको कहते हैं, उद्धरण चिन्ह को कहते हैं। अभी तक 6 क्वेश्चन हो गए चिन्हों के, 6 क्वेश्चन किसके हो गए, चिन्हों के, 2023 का पेपर है, ठीक है। पीछे भी आप अगेन की हर जगह, अब ऐसा नहीं कि 22 में आपको चिन्ह के ही क्वेश्चन मिलेंगे, 22 के आपको तत्सम तत्व क्वेश्चन मिल रहे हैं,
पांच क्वेश्चन उसी से दे दिए उन्हें उठा उठा के, ठीक है, ठीक है, टॉपिक है, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये पोर्शन हट गया। अब अगले साल यहाँ पे अलंकारों की जगह आपको क्या मिलेंगे, यहाँ नीचे वाले में छंद मिलेगा, ऊपर वाले में क्या मिलेगा, रस मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, कुछ नहीं अंतर है ना, बाकी सब कुछ आपका सेम चलता रहेगा। इसके बाद वापस से आपका ट्रांसलेशन वाला चीज आ जाएगी, ठीक है, तो आपको वहां पे अलग से उसको करना रहेगा, ठीक। अब देखो वापस से पीछे हमने क्या देखा, 22 नंबर के आसपास की संधि देखी थी, वापस से संधि आ गई 2 नंबर की, ठीक है, वापस से संधि आ गई 2 नंबर की, ठीक है, पॉइंट क्या निकल के आया, 27, 28, 30 नंबर के आसपास तो संधि हो रखी है। और ये हर साल का तरीका है, कभी समास आ जाएगा, कभी संधि आ जाएगी, कभी कोई और टॉपिक आ जाएगा, बट कोई एक टॉपिक क्या करेगा, वेटेज रखेगा। लेकिन टॉपिकों की संख्या ही मात्र कितनी है, 7 से 8 है, आप कौन 7 से 8 टॉपिकों को अच्छे से ना पढ़ लीजिए, ठीक है। अगेन उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मोटा मोटा कहूं हिंदी के जो नोट्स होते हैं, आप नोट्स बना लेंगे ना जब, 50 पेज के होते हैं, लिटरली 50 पेज के होते हैं। हाँ, उसमें एक पोर्शन आपको थोड़ा सा साइड में रखिए, वो कौन सा, जो शब्दावलियां होती हैं, विलोम शब्दों की एक बड़ी सूची होगी, पर्यायवाची की एक बड़ी सूची होगी, ऐसे ढेर सारे सबकी अपनी अपनी सूची होगी ना, उस सूची को अभी साइड में रखिए, जो एक प्रॉपर व्याकरण होती है, जो नोट्स होते हैं 50 पेज में सिमट जाते हैं, उससे ज्यादा आप यदि बना रहे हैं तो पेपर अभी भी आप नहीं समझे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा मत बनाइए, उससे ज्यादा पुस्तकें मत पढ़िए, ठीक है। पुस्तक में आपको जो दिया गया है वो आवश्यक नहीं है कि आपके एग्जाम के पैटर्न पे वो उन्हें, अगेन कि एग्जाम का पैटर्न कैसे समझ में आएगा, ठीक है, पेपर देखना पड़ेगा, ये 22 का पेपर देखना पड़ेगा, 23 का, 21 का, हमारे पास 5 पेपर ऑलरेडी उपलब्ध है ना, 19 प्लस, ठीक है, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 6 पेपर एग्जेक्टिव उपलब्ध है हमारे पास, ठीक है, 6 पेपर का जो पैटर्न है एग्जेक्टली यही पैटर्न है, सेम पैटर्न, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई, ठीक है, ये अगेन वापस से वही चीजें आ गई कि उन्होंने टॉपिक मेंशन करके आपको दिए हुए हैं, इस बार भी दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है उन्होंने टॉपिक मेंशन करके, उन्हीं टॉपिक पे आपको क्या करना है, काम करना है, ये पूरे ये टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन पे आपको काम करना है, इनको आपको रटना है, ये पूरा रटने का, यहाँ पे आपको क्या है, पूरा रटने का टॉपिक है, शब्दावलियों को रटने का टॉपिक है, और इन्हीं पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 मार्कर के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इतनी सी बातें इसमें क्या है, आपको शामिल है। हिंदी को पेपर को इग्नोर करने का मतलब होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मारना, ठीक है। हिंदी का पेपर मतलब अगेन की हिंदी में बहुत सारी बातें नहीं कि मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दे दूंगा, वो बाकी सब्जेक्ट में रखा हुआ उसके लिए है ना, हिंदी में सिर्फ रटना है, कंसाइज नोट्स बनाने हैं, उस पर आपको काम करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी को एक भ्रम निकाल देना है कि मैंने 11वीं 12वीं पढ़ी हुई है तो मुझे हिंदी आती है, ठीक है, आपको हिंदी नहीं आती है, क्यों, क्योंकि आपको 11वीं 12वीं में जो हिंदी आती थी उसका अपना एक लेवल था, वहां पे आप गलती करके आ जाएंगे, आपका मास्टर है, घर का आदमी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका घर का आदमी नहीं है, यहाँ पे उसका काम ही है आप आगे ना बढ़ने पाए, ठीक है, यही उसका काम है, कोई दूसरा उसका काम नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपके लिए उसके क्या, आपको उसका क्या लिए, उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सिर्फ एफर्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होता है, हर चीज को आपको रटना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। रही बात नोट्स की, ठीक है, आप अपने अपने नोट्स बना सकते हो, किसी किताब को भी उठा सकते हो, 50 किताबें मार्केट में उपलब्ध है, मेरी जेन्युइन सलाह है तो अभी 2-3 दिन में टेलीग्राम में नोट्स पूरे बना के डाल दूंगा, ठीक है, उसको निकलवा लेना, उसमें से पूरा पढ़ना चालू कर देना, ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए भी, ऑफलाइन वालों के लिए, जिसके जहां जहां भी, ठीक है, उससे पूरा पढ़ना, ठीक है। वो हैंड रिटन नोट्स होते थे, उसको बाद में कन्वर्ट कर लिया गया था, ठीक है, उसको प्रॉपर पढ़ना, कंसाइज वे में लिखा हुआ है, उस भाषा में लिखा हुआ है जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए। आधी समस्या तो यही रहती है, संधि की परिभाषा समझ में नहीं आती है, बोले बाद में किससे क्या जोड़ दूं, यही नहीं समझ में आ रहा होता है ना, खिचड़ी पक रही होती है, तो आधी समस्या तो ये, तो भाषा क्या होनी चाहिए उसकी, थोड़ी सी सरल होनी चाहिए भाषा। यदि आपके पास जो नोट्स है उसमें सरल नहीं है तो सरल कीजिए उसको, खास करके वो भाषा जो परिभाषाओं वाली है, बाकी जगह तो आसानी है लेकिन परिभाषाओं वाली को, ठीक है, ताकि आसान रहे रटने में। बाकी हिंदी में इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी विषयों में ढेर सारी कहानी है अपनी, हिंदी में आपको सिर्फ इतना ही क्या है करने की आवश्यकता है, दिमाग से भ्रम को निकालना है कि हमको आता है, ठीक है, शुरुआती चरण में लगता है कि हम कर लेंगे, ये वैसा ही होता है कि नई नई प्रेमिका है, लगेगा कि आसान पड़ेगी, है ना, 2 महीने बाद 4 महीने बाद उससे गुजारने के बाद लगता है कि नागराज के क्या है भोग चढ़ा रहे हैं रोज रोज, है ना, तो वो चीज हो जाती है। तो आपको उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, बाकी इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं है, ठीक है। यूनिट 5 कितने दिन में, अच्छा इथिक्स की यूनिट 5 कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, देखो अगेन की अभी से नहीं बता पाऊंगा कि कितने दिन में हो जाएंगी, मोटा मोटा समझो, यदि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अलग अलग है, ऑफलाइन में चूंकि 2 घंटे क्लासेस चलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कम समय लगेगा कंपेयर टू ऑनलाइन,
बट फिर भी बात मोटा मोटा बात मान के चले तो चूंकि शुरुआती चरण रहेगा, शुरू में कुछ दिन क्लासेस हो सकता है, धीरे चले 4 से 5 दिन तक धीरे चले क्लासेस, ठीक है। तो मोटा मोटा बात करें 20 से 25 दिन के आसपास का आपका समय इसमें जाएगा। बट अगेन इसका मतलब ये भी है कि 20 से 25 दिन जो आपको इथिक्स में जाएंगे, साइमल्टेनियसली आपका एक दूसरा सब्जेक्ट भी चल रहा होगा, तो वो भी आपका 20 से 25 दिन में क्या हो रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। तो दो विषय आपके साथ में क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे होंगे। अच्छा नहीं आ रहे, सॉरी, है ना। तो किस चीज की बात कर रहे थे अभी की, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन था कि कितने दिन में कंप्लीट होगा उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना, ज्यादा कुछ परेशान हो उसमें। तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा हिंदी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑनलाइन, अरे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए ऑनलाइन क्लास है, सबके लिए ऑफलाइन है, बाइलिंगुअल है। टाइमिंग मेरे ख्याल सर ने बता दिया था, थोड़ा सा पीछे जाओगे क्लास को खिसका के, है ना, मेरे थोड़ा सा पहले जहां से मेरी क्लास चालू हुई है मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतना सा आपको काम करने की आवश्यकता है। बाकी विषयों को आपको लेकर के चलिए, लगातार उसके नोट्स बनाइए, बट इसको रोज रोज लेकर के चलिए, अगले 8 महीने तक लेकर के चलिए, ठीक है। आपको 1 घंटे नहीं देना है, 20 मिनट देना है, मात्र 20 मिनट देना है। ये वो 20 मिनट रखिए, खास करके जो यहाँ वाला पोर्शन है, ठीक है, रटने वाला पोर्शन, इसके लिए वो 20 मिनट रखिए जब आपको लगे कि अभी मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, इधर उधर टाइम पास करना है। आज आपने क्या कर लिए, विलोम शब्दों को रटना चालू कर दिया, 50 विलोम शब्द रट डाले, ठीक है। 10 दिन बाद उनको क्या कर लिए, रिवाइज कर लिए, तब तक में और भी क्या कर लिए, ढेर सारे पढ़ लिए, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। अगेन मतलब पीछे कहीं सर बात कर रहे थे समय देने की, है ना, समय देना पड़ेगा, समय नहीं दोगे तो चल रहा है, चल ही रहा है, राम भरोसे चल ही रहा है ना, तो उसके लिए काम करिए। इसके बाद अच्छा सर आप बताएंगे कि भाई करना कि नहीं करना है, पहले बता ही दो अभी। अच्छा हाँ, सभी के लिए ऑनलाइन के लिए भी आगे अभी कंटिन्यूस डिस्कशन को रखना है, क्योंकि अभी समय जाएगा इसमें, उद्यमिता करने बैठेंगे तो एटलीस्ट हमारा इथिक्स में कितना 3 घंटे का समय गया, हाँ, तो 3 घंटे का समय उद्यमिता में भी जाएगा, ठीक है। नया सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा उसको, तो करना है कि नहीं करना है पहले आप लोग बता दो, फिर ऑनलाइन वाले भी बता दें, करना है, ठीक है।